नेक्स्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट मेथड है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आप नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि किस टाइप की प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है वो खुद छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इसलिए टर्म यूज की गई है फ्रेगमेंटेशन। ये भी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है, मल्टीसेलुलर, मतलब वहां पे दो या तीन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, इसलिए उसको नाम दिया है सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब यहाँ पर ह्यूमन बींग्स या और मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बात नहीं हो रही है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंपल, उनकी बॉडी में दो या तीन सेल ऐसी हैं जो कि वहां पर डिफरेंट टाइप की फंक्शंस को शो करती हैं, दैट्स व्हाई सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इनकी एक खासियत है फ्रेगमेंटेशन की, जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद ही वो अपने आप 2, 4, 6, 8 जितने में भी है वो क्या होने लगते हैं, फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं और एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट फर्दर पेरेंट सेल की तरह ही फंक्शन को शो करता है। देखिए, मैच्योर ऑर्गेनिज्म मोर देन टू पीस न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म, अपने आप को पूरी उसी तरह से काम करता है जिस तरह से पेरेंट सेल। फॉर एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, अ मैच्योर स्पायरोगायरा, ये एक स्पायरोगायरा का थ्रेड है, ठीक है। ये बीच में जो देख रहे हैं दैट इज द सेप्टम। सेप्टम का मतलब होता है दो सेल को सेपरेट आउट जो करे, उसके लिए टर्म यूज की जाती है सेप्टम। तो ये देखिए दो सेल को क्या कर रहा है, सेपरेट आउट कर रहा है कि ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, दैट्स व्हाई ये एक सेल, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसी बहुत सारी सेल्स इसकी बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो ये जब पूरी तरह से मैच्योर होता है तो ये जितने भी सेप्टम वाला पार्ट है सब अलग अलग हो जाते हैं, लाइक जस्ट लाइक दैट, और फर्दर किसकी तरह से, ठीक इसी तरह से फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं, मतलब डिवीजन करते हैं और एक लॉन्ग मैच्योर स्पायरोगायरा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस टाइप से फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है। ये भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पर भी जो डिवीजन हो रहा है वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू सेल के और ये डिवाइड हो रही है। अब हम बात करेंगे, क्योंकि ये वाले टर्म और आपकी फ्यूजन दोनों एक जैसी है। देखिए, डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन। फ्यूजन क्या था, कैसा था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता था, जबकि फ्रेगमेंटेशन किसमें देखने को मिलता है, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। तो आपका जो ये फ्यूजन है ये यूनिसेलुलर है, दैट्स व्हाई वो भी टू और मोर डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा था, जैसे हमने बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन पढ़ा था, ठीक है ना, कि एक सेल का न्यूक्लियस बहुत सारी सेल्स में डिवाइड हो गया और उसका थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म पे डिवाइड हो गया, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। लेकिन वो किसमें है, यूनिसेलुलर में है, जबकि हमारा जो फ्रेगमेंटेशन है वो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्पायरोगायरा। इसकी बॉडी खुद ब खुद सेप्टम से पास से क्या हो जाती है, सेपरेट आउट हो जाती है, और सेपरेट आउट होने के बाद वो दो या दो से ज्यादा, मोर देन, ठीक है, डॉटर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है। फर्दर ये जो सिंगल पार्ट है ये खुद धीरे धीरे अपना इसकी फॉर्मेशन कर लेता है और एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म बनाने के बाद ये वापस दोबारा से सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो मेनली फ्यूजन में और फ्रेगमेंटेशन में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो फ्यूजन होता है वो यूनिसेलुलर होता है और जो आपका फ्रेगमेंटेशन होता है वो मल्टीसेलुलर होता है। थैंक यू।